बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। रमज़ान डाडा दे नाल मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शमा नाज। क्या हाल है, किवें हैवे, रमज़ान किवें गुजरदा पे? जिवें कि असां अफ्तारी दा अहतमाम करेंदे हैं, कुछ गर्मियां भी हैं और नाल वबा दा कुछ सामना है। हवाले नाल असां खुसूसी सफाई दा भी ख्याल रखना है, असां अपने किचन को साफ सुथरा रखना है। तो उन्दे नाल मैं तुहाको मजीद वीडियो से असां अच्छा हुण शेयर करेंदे हैं। सरना शेफ महराज हैं, उन्हां तो पुछदे हैं कि वो आज केड़ी केड़ी रेसिपी शेयर करन वाले। सर नाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज कौन कौन सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं हमारे नाज़रीन के साथ? हम बना रहे हैं तवा चिकन फ्राई, और ये बहुत इजी रेसिपी है, इजीली घर में बन सकती है। मतलब ये टिक्के की तरह बनेगी, लेकिन ये हम तवे पे बनाएंगे। साथ में हम इसके चटनी बनाएंगे, हरी ग्रीन चटनी, और साथ में हम आज पराठे बनाना सिखाएंगे। जबरदस्त, मैं लेके पराठे डिठे वे तो नोट डाउन भी कर सकते वे, तो गौर नाल देख भी सकते वे रेसिपी कितनी जबरदस्त रेसिपी तैयार थी बना रही पी है। और ये रेसिपी का मज़ा जड़ा है तुसा ट्राई करते बाद पकाओ ते बाद अपने घर नाल बहते एहतमाम दे नाल जड़ा तुसा खास हो तो मज़ा आसे, यकीनन मज़ा आसे, क्योंकि असा खावन पीवन दे नाल ही उठते हैं, सुनते हैं, सबको हर टाइम खावन पीवन की फिक्र होंगी है। हमेशा असं यह कहते हैं कि असं आउटिंग करूँ, बाहर वनू, सब तो पहले अगर बाहर वेंदे हैं तो खावन पीवन का सब तो पहले, चाहे सैर तफरी वास्ते वेंदे हैं, सब तो पहले आते हैं अच्छा कुछ खा गिनूँ, अच्छा कोई अच्छा जहाँ रेस्टोरेंट नज़र आ गए इतना कुछ खा गिनूँ। तो यही चीज़ है, आज अगर मुश्किल हालात हैं सारे, और इंशाल्लाह बाबरकत महीने दे सदके, रहमता दे सदके, और अल्लाह पाक दी करामात दे सदके, ये बबा तो जल्दी असं काबू पा गिन सूँ इंशाल्लाह। तो इन घबरावना नहीं, हाँ एक गल मैं थोड़े सा वो आखें ना वंस अपॉन अ टाइम कि पहले एक हों से असं अफतारी पार्टी करेंदे हाँ से अफतारी पार्टी तो वेंदे हाँ से अवतार पार्टी देंदे हाँ से ओ अगर नहीं कर सकते तो इन मतलब ये नहीं कि वंस अपॉन अ टाइम कि असं एक दफा का जिक्र हाँ तो इवें करेंदे हाँ से हूँ असं घर बहते भी कर सकते से और अवतार पार्टी दे भी सकते से। ठीक है, असं बहते घर नहीं बन सकते, लेकिन इन सूरत तो कर सकते से जिमें जबरदस्त रेसिपी तैयार थी पेन वो तो नवी नवी, क्योंकि जो रोज़मर्रा असं घर पकेंदे वो तो एक ही पकते, समटाइम घर वाले इरीटेट थी मन पैन कि यार कल भी उही पकया, अज भी उहो पकया, तो ये बेहतर है कि थोड़ा जा जायका डिफरेंट करो। और रेसिपी ये भी एक नेकी है जी, मैं नेकी कमें दी पियाँ, क्योंकि बाबरकत महीने के हवाले नाल रेसिपी नवी नवी तो हाँ पियाँ, क्योंकि ये चीज़ा शेयर करन, क्योंकि मैं भी अपने भेणी नाल नेकियाँ कमा बना ना भेणी नाल मिल के जबरदस्त मज़े मज़े की रेसिपी दसा दें। तो देखो रेसिपी खास तौर पर ट्राई करो और घर वालों तो भी दाद वसूल करो, और सब तो पहले असं ख्याल रखेंदे हैं कि अपनी सेहत का खसूसी तौर पर असं ख्याल रखेंगे, क्योंकि असारे सेहत के हवाले नाल असारे कुकिंग ऑयल केड़ा है, डालडा जिथा होए डालडा आखेंदे ना उथा मामदा, तो सच ही है क्योंकि इन्दे च गजाइयत है, भरपूर गजाइयत है। तो तुसा कोशिश करो कि डालडा या कुकिंग ऑयल अच्छे तो अच्छा इस्तेमाल करो, तो इन हवाले नाल असा सेहत अपना इम्यून सिस्टम भी बेहतर करना है। तो देखो कि आज केड़ी रेसिपी तैयार थी दी पी है, और देखो जी इसकी आप क्या स्लाइस कर रहे हैं? जी मैं स्लाइस कर पतले पतले से, पतले पतले से, क्योंकि ये तवे पे हमने बनानी है, इस तरीके से इसको काट लेना है हमने। बोनलेस चिकन इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप मिल जाता है, देखिए ये इस तरीके से हमने इसके स्लाइस बना लेने। ठीक है, और उसके बाद अब हम इसमें मैरिनेशन करेंगे। अच्छा, मैरिनेशन करके इसको नॉर्मली आधा घंटे से एक घंटा इसको छोड़ देना है, ताकि टेस्ट इसका अच्छी तरह से आ जाए चिकन में। अच्छा, मैरिनेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? जी वो मैं सब सामने डालता हूँ। ये पेस्ट है लहसुन का, ये आधा टी स्पून, ये चिकन का तकरीबन आधा किलो हमारी चिकन है, आधा किलो चिकन में हमने आधा टी स्पून ये डाला है, ये गार्लिक है, सॉरी ये जिंजर, जिंजर, अदरक, लहसुन हो गया जी, और उसके अलावा इसमें थोड़ा सा नमक, अदरक लहसुन ये सारा ओ है जड़ा हरा मसाला जिंक वाख्या वेनी दे, ये इसमें करी पाउडर है, सालन का जो मसाला होता है वो हमने थोड़ा सा मिलाना है इसमें। ठीक है, ठीक है जी। और कितना, एक टेबल स्पून या टी स्पून? एक टी स्पून, टी स्पून अगर खाने का एक चम्मच। हाँ। और ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी एक टी स्पून, थोड़ा सा चाट मसाला इसको टेस्ट करने के लिए आधा टी स्पून तकरीबन, सही, प्याज, और
ये चिकन पाउडर है, चिकन स्टॉक पाउडर जो होता है ये हमने डालना है, चिकन स्टॉक 1 टीस्पून। अच्छा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा मिक्स करके इसको रख देंगे कुछ देर के लिए, तकरीबन 20 मिनट के लिए। तकरीबन 20 मिनट के लिए, हाँ 20 मिनट तक तुसा रख सकते हुए इनको मैरिनेट करते। चिकन के छोटे छोटे बिल्कुल बारीक जी पीस थे हुए और इन्हें को मसाले के नाल, और अच्छा लीमू भी है, इन्हें च नींबू भी है, नींबू कट अगर अवेलेबल तो सिरका भी डाल सकते हैं, सिरका भी पा सकते हुए घर तो हर घर सिरका मौजूद होंगे क्योंकि ऐसा हर मतलब खवातीन अपने घर किचन सिरका ना हो मतलब अधूरा लगते, किचन सिरका जरूर होंगे और थोड़ा जहा सिरका पा सकते हुए। थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डालेंगे जैसा कि हम डालडा यूज करते हैं, डालडा का जायका ही डिफरेंट है। बिल्कुल इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं। जी हाँ नाजरीन, एक तो असं कुकिंग ऑयल का खसूसी तौर पर जोड़ा है ख्याल रखो क्योंकि असं अपने घर वालों को अपने बच्चों को सेहत देनी है, गजाइत देनी है, तो ये कुकिंग ऑयल या जो डालडा बनस्पति है बेहतरीन है, हर खाने के जायका मिलता है एक तौर को और इन एक कुआते मदाफत वास्ते भी तो बेहतरीन एक गजा मिलती है क्योंकि ये हालात है, क्योंकि बीमारियां एक आम जिया होंदियां बीमारियां उन्हें भी असा को मुकाबला करना होंगे क्योंकि जिसमें अगर बीमारियां हैं तो उन्होंने मदाफत कुआते मदाफत बढ़ाने वास्ते सब अच्छी गजा की जरूरत है, अच्छी गजा सेहतमंद गजा खा सूँ तो असा इन्होंने बीमारियों का मुकाबला कर सकसूँ। जी ये छोटी जी वबा है बिल्कुल है, इन वास्ते ख्याल रखना है। अजकल सारे जो बुजुर्ग हैं ना वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखें दे, वो बाहर चले बना दिन को नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने ख्याल तुसा रखना है, तुसा रखना है बच्चों का, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना है कि उन्होंने बाहर नहीं बना डेवना और बिल्कुल हला गुला करते तुसा एक घर आराम नाल गुजार सकते वे अपने घर वाले नाल। अच्छा दूजी गल ये दसावा कि एक खाना अगर असा एहतमाम करेंगे से जिमें कि अवतार पार्टी देंगे असा अपने रिलेटिवस को कि तुसा सा घर अवतार करो या असा आते पैसे तुम्हारे घर अवतार कर, ठीक है असा ये नहीं कर सकते, उस सूरत तुसा ये नवी नवी रेसिपी ट्राई करते तुसा पैक करते तुसा अपने फैमिली मैंबरान को भेज भी सकदो, ये भी एक अलग एक मज़ा है जिंदगी का, एक यादगार थी कि अच्छा इतनी जबरदस्त डिश तुसा तैयार की है, अच्छा ये कितों रेसिपी आई है, तो ये एक फन है, ये तुसा फन करना चाहिए क्योंकि बजाय बोर थी बनते कि जी बाहर नहीं बन सकते, हाँ असा बाहर जो है आउटिंग कर सकते, अगर आउटिंग ते वेंदे हैं तो साडा इहो ही होंदे सब तो पहले कि असा खाना क्या खावना है, चाहे असा शॉपिंग करन क्यों ना वनू, शॉपिंग करन वनू वल भी असारी नज़र होंदी है खाने ते कि कितना अच्छा खाना मिल सके, कि रेस्टोरेंट से अच्छे तो अच्छा खाना सबको मिल सकते, असा उही बाकायदा गोल तो रेस्टोरेंट से वेंदे हैं जितना अच्छा खाना मिलते, तो ये खाना उहो ही जायका तो मिल से अगर घर तो ट्राई करे सो और डिफरेंट चीज़ा बने सो, तो यकीन असा ही सिर्फ खाने की वजह तो असा मुख्तलिफ मौके बुलेंदे हैं कि असा कोई तकरीब ते बनू, तकरीब की सूरत तो खाने ही होंगे अच्छे तो अच्छे खाने डिफरेंट, क्योंकि असा रोज़मर्रा जो अपने खाने पका पकाते ना खुद भी थक वेंदे हैं खाते यार ये क्या कल भी यही खाधा अज भी ये खाना है, तो थोड़े चीज़ा चेंज करो, जिमें जिमें इंसानी तरक्की थी आती है उमें उमें खानिया के भी जिद्दत आती रही है, तो ये जिद्दत आप ही भी आननी है खानिया और लज्जत भी, क्योंकि घर में बच्चे भी खुश थी वो भी आखन वाह, या उन्होंने अम्मिया कसम दें तुम्हारे घर च बच्चों की रोज़ा कुछ आई भी थी सकती है, वो मौके पर भी तुसा नवी एक डिश बना सकते वे, ता ये मैं कह सा कि गौर नाल देखो। हाँ जी कहाँ तक पहुँचे हम? अच्छा अब हम इसको हमने रख दिया मैरिनेट करके, थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं जी, और जब तक हम चटनी बना लेते ग्रीन चटनी जो हम बना रहे हैं जी, इसके लिए एक जो है धनिया के हमने ले लिए हैं जल्दी जी, और एक पुदीना ले लेना है, एक टमाटर ले लेना है छोटा, और साथ में हरी मिर्च हो या शिमला मिर्च है हमारे पास अवेलेबल, शिमला मिर्च हम इसमें डाल लें, ठीक है ये इसमें डाल देते हैं, तो छोटा छोटा काट के इसमें डाल देना है। अच्छा साथ में हमने इसमें जो है वो डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा थोड़ा सा, और जीरा और धनिया, और थोड़ा सा नमक,
कर लेते हैं। सही है, जब तक ये आप करें तो हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन इत्थां गिंडे से छोटा जहा ब्रेक, ब्रेक तो वापसी ते कि नहीं ना मने देखते रहो रमजान डालडा दे नाल ब्रेक। वेलकम बैक रमज़ान डालडा दे नाल। डालडा अपने सार्फीन दे किते इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड दे एन मुताबिक कुकिंग ऑयल बनाने वाला सब तो पहला ब्रांड है। ये पाकिस्तान का वाहिद कुकिंग ऑयल है जिहड़ा जो डालडा दे खास इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी प्लांट ते तैयार किया वेंदे। ये टेक्नोलॉजी इहदी कुदरती गज़ाइयत महफूज करते एक सेहत बख्श तरीन बनेंदी है। डालडा ब्रांड की वसी रेंज जदीद तकाज़ियां दे मुताबिक सार्फीन दे दिन ब दिन बदलती हुई जरूरियात को बाखूबी पूरा करेंदी पी है। जी हाँ, ता ही आते हैं डालडा सेहत है ते डालडा इस्तेमाल करो। जी अब हम कहाँ पहुँचे? जी चटनी हम बना रहे थे, ये हम बना जी चटनी फाइनल। अच्छा जी, चटनी साड़ी तैयार थी गई है। चटनी तैयार हो गई और टाइम अब जो है हम इसको चिकन को जो है फ्राई करेंगे, तवे पे इसको फ्राई करेंगे। डालडा डालडा कुकिंग ऑयल है, डालडा कुकिंग ऑयल के साथ जिमें कि कहते हैं सेहत का जामिन जहर है, असारी सेहत है तो सब कुछ है। सेहत नहीं तो असा कहीं भी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते, असा ना कोई बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं, ना कहीं भी हवाले नाल असा मुकाबला, ना अपने दिमाग को अच्छा कर सकते हैं। असा दिमाग को तंदुरुस्त रखने वास्ते ताई अच्छा ऑयल कुकिंग, क्योंकि अखें दिन के सब तो अच्छा जड़ा है देसी घी या देसी वो जो है ना अच्छा होंगे, देसी घी बल्कि अच्छा होंगे। उन्हें तो बाद अगर ये ब्रांड है कुकिंग ऑयल या डालडा बनास्पति तो ये एक मनिया होया ब्रांड है सेहत के हवाले नाल, सेहत का जामिन है। आखिर ना जे थां डालडा उथां मामता, तो ये ख्याल रखना है तुसां भी अपने रोज़मर्रा च या सैर अवतार से अपने खानिया के खुसूसी तौर पर, क्योंकि डालडा की तमाम मसनुआत मौजर सेहत कोलेस्ट्रोल तो पाक हैं, तो इन्दे च एक लज़त भी मिलती है क्योंकि इजाफी विटामिन भी हैं इन्दे विच। तुसां ये भी एक ख्याल रखना है अपने कुकिंग ऑयल का खसूसी तौर पर, क्योंकि ऑयल ढेर सारे मिलते हैं लेकिन नकली ऑयल को होशियार रहो, अच्छे तो अच्छा ऑयल घर रखो और घर वालियों को अच्छी सेहत लज़त दियो। मैं बार बार यो ही कह सा कि अच्छे खाने का और अच्छे जायके का अगर इन ऑयल या घी अच्छा ना हो सके तो जायका कहना मिल सकता आपको। क्यों जी, कैसे कहती हैं कि अच्छा ऑयल हो उसमें लज़त भी और सेहत भी उसी में मिलती है। अच्छा जी, ये सर उससे सबसे ज़्यादा बीमारियाँ पैदा होती हैं जी, बिल्कुल खासतौर से हार्ट की जो बीमारी जी है, ये ख़राब ऑयल खाने से जी इस्तेमाल शुदा ऑयल खाने से जो है होती है। तो ऑयल के मामले में कभी भी कोई लो क्वालिटी का ब्रांड ना यूज़ करें, हमेशा डालडा यूज़ करें जी, तो बेहतरीन है। अच्छा, इसमें ऑयल आपने बहुत कम डाला है जी, इसमें ऑयल कम रहेगा, कम ही रहेगा अभी। हाँ, ये अब थोड़ा सा पानी छोड़ेगी किसी स्टीम में जो है ना ये खसूसी ये चीज़ भी गौर ना देखो कि ऑयल भी बहुत घट, इवें नहीं कि पूरा फ्राई पैन भर दे उनको फ्राई करना है। इसको हम हल्की आंच पे रख देते हैं ये कवर हो जाए। अच्छा, पलटना कुछ देर के बाद है, थोड़ी देर के बाद इसको पलटते हैं और इसके साथ पराठा बनाएंगे हम, क्या करेंगे जी? इसके साथ हम पराठा बनाएंगे, पराठा लाइक रोल या नहीं अलग? जैसे नॉर्मल पराठा बनता है हाँ। उसका भी हम मैदा गूंथते हैं। अच्छा, वो अलग से बनेगा? अलग से बनेगा। तो ये सहरी में भी खा सकते हैं हम? बिल्कुल, ये सहरी में भी खा सकते हैं और ये जो है इफ्तार में भी खा सकते हैं, दोनों तरीके से खा सकते हैं।
जैसे कुछ लोग इफ्तार में पकोड़े खा खा के थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है एग्जैक्टली कि ये हम इसलिए इसमें बना रहे हैं और ये शहरी में भी खा सकते हैं। बिल्कुल सही, तो रिठे वे बिल्कुल आराम नाल तुसां घरे तैयार कर सकते वे, बाहर दा मज़ा, बाहर रेस्टोरेंट दा मज़ा तुसां आराम नाल घरे च गिन सकते वे और घरे च दाद वसूल कर सकते वे। मैं तो आपको कहनी पियां पहले कि ये तुसां तैयार करते डिफरेंट डिफरेंट डिशेज तुसां तैयार करते एक बॉक्सिस मिलते हैं, प्लास्टिक के बॉक्सिस मिलते हैं, इनके अलावा ये भी एक डिस्पोजेबल जोड़े बर्तन होंगे उनके ही तुसां पाते, ये तुसां कम अज़ कम अपने फैमिली मैंबरान वास्ते या इर्द गिर्द तुहाडे रिलेटिव्स होंदे ने उन्हां कोल भेज भी सकते वे एज आ अफतार पार्टी दे तौर ते, क्योंकि अगर इन हालत दा साईं हवाले नाल मुकाबला करना है हालात दा कि मुश्किल हालात जरूर है कुछ वक्त वास्ते, हमेशा तो नहीं रहना, ये वक्त टल वैसे और इनको असा हंसी खुशी बड़े आराम दे नाल टारना है, तो कोशिश करो ये चीज़ तुसा नवी डिशेज बनाते तुसा भेज भी सकते वे, तो यह एक फोन पर भी राबता थी सकते वाह क्या डिश बनी है, तो तुसें ट्राई करो और ये दाद गिनो। मैं तो यही आखे सा इसमें और कितना टाइम लगेगा जी? खुशबू आ रही है बहुत ज़बरदस्त कि जो मैरिनेशन की है ना, जिसको मैरिनेट किया है तो इसकी खुशबू अच्छा, और जितना देर इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही टेस्टी हो। अच्छा अच्छा, फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको मैरिनेट करके? बिल्कुल बिल्कुल, फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, फ्रिज भी तो रात को मैरिनेट करके सवेरे वास्ते भी रख सकते हैं, सहरी दे टाइम भी तुसा ये जड़ा ना बना के खा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर मैरिनेट करके रात में रख सें और जो है सुबह सहरी के टाइम इसको फ्राई करके खा लिया जाए? बिल्कुल, रात में अगर ओवरनाइट रखते हैं ना तो उसका फायदा ये होता है कि ये बिल्कुल गल जाएगी और 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा, तो सहरी में वैसे ही टाइम कम होता है जी, इजीली बना सकते हैं। सही डिठे वे, बड़ा आसान है, बड़ी आसान जड़ी रेसिपी है, इन वास्ते आखे ना तो मैं भी अपने नेकियां का हिस्सा पावा ना, इन वास्ते मैं अपने भेणी वास्ते ये शो गिन के आई हाँ ताकि मैं भी कोई छोटिया छोटिया नेकियां कट्ठिया कर सकियां, क्योंकि ये असा पूरा साल जो इंतजार कर रहे हैं, ही महीने का रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है, तो असा ये मिलजुलते नेकियां कमाऊँ और एक दूजे के काम आऊँ, ये सब तो अच्छी गाल ही है। कितना जल्दी ये रेसिपी तैयार थी पी है और तुसा बने दे हो सो, बिल्कुल मैं ये नहीं आखेंदी कि तुसा नहीं बने, लेकिन तुसा थी सकते कि डिफरेंट स्टाइल बने दे हो, ये डिफरेंट स्टाइल बनी है और हे कितना जल्दी, क्योंकि इतनी जल्दी तो मैं भी शायद अगर मेरे सामने भी चिकन आसे तो मैं ही आखे सन सवेरे के टाइम सहरी के टाइम मैं कितों बना सकती हाँ, नहीं बना सकते, लेकिन ये तरीका कर देखो बिल्कुल पतले पतले स्लाइसिस हैं और थोड़ी जी चीज़ा पा के ना मसाले थोड़े जे पा के मैरीनेट किया गया, मैरीनेट करके ਉਹ ਹੁਣ ਫਰਾਈ ਥੀਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ ਔਰ ਜੀ ਪਰਾਠੇ ਕਾ ਇਹ ਮੈਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਦਾ ਆਪਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਮੈਦਾ ਕੌਨ ਸਾ ਹੈ? ਸਾਦਾ ਜੋ ਮੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਮੈਦਾ, ਸਾਦਾ ਮੈਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸਮੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹਮ ਜੋ ਦੁੱਧ ਡਾਲੇ, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं, इसकी क्या वजह है, इसका क्या लॉजिक है? दूध आता है, अच्छा टेस्ट आता है जी, टेस्ट आता है। अच्छा जी, इन दूध पावना है क्योंकि थोड़ा जा टेस्ट डिफरेंट करने वास्ते, यही तो चीज़ है, टेस्ट और जायके के पिछू तो भजते हैं और रेस्टोरेंट का रुख भी ता ही करेंगे कि असं जायका संग लेंगे, हर वक्त सारे दिमाग के जायका होंगे सुनते हैं तो कहते हैं अच्छे तो अच्छा जी जी, डालडा ऑयल ही है थोड़ा जा पान पहने पे, तकरीबन एक टेबल स्पून, तकरीबन एक टेबल स्पून जो है ये भी तकरीबन हमारी रेडी हो। वाह वाह जबरदस्त खुशबू, डिठे बिनाफरीन एवं दे खाने आसन तुहाडे अफतार दे टाइम वन को वन की दे खाने अगर आसन तो यकीनन रोज़े दा मज़ा दुबाला थी से, अगर रोज़े दा मज़ा दुबाला करना है तो ये चीज़ा तो ट्राई करने पोसे, घरे थोड़ी जी मेहनत करनी पोसे, बहते घर च खेलन कूदन या बच्चों के नाल या बोर थीवन हर वक्त डिप्रेशन घिनन, ये अच्छी गल करनी, अच्छी तो अच्छी चीज़ा पकाओ, यह हुनर भी है, अपने बच्चों को भी हुनर दियो और मैं अपने भेणियों नाल भी आखे सा जो मेरे भेणी भी ये चीज़ा अगर डिफरेंट बने सन उन्होंने जेडे मियाँ उ खुश थी सन, क्योंकि तंग आ चुके हैं वो भी रोज़ रोज़ का एक जहा खाना खा खा के, अगर वो भी थोड़ा जहा जायका बदलिया हुआ खा सन तो यकीन वो भी खुश थी सन कि क्या बेगम के हाथ का जायका है, तो इन वजह तो मैं तो कहनी हाँ कि ये रेसिपी जरूर ट्राई करो जी। अच्छा तो ये मैदा हमने गूंदना शुरू कर दिया, इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है पानी जैसी जैसी ज़रूरत हो,
दूध और ऑयल डालने से ये है कि पराठे जो है ना नरम और खस्ता बने। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा दूध और हमने ऑयल इसमें डाला है। डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो घी खाने वाले लोग हैं जिनको घी पसंद है घी भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से। सर मुझे भी घी पसंद है ज़्यादा, क्योंकि मैं पराठा खाती हूँ तो वो भी घी का बना हुआ हो तो वो ज़रा क्रिस्पी बनता है। क्रिस्पी बनता है और घी का ये है कि अलग टेस्ट होता है। हाँ, तो ये है कि कुछ लोग खाते हैं घी, कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो अपने अपने टेस्ट के ऊपर है जो चीज़ भी। अगर कुछ लोग जो है ना कॉन्शियसन के वेट बढ़ दे घी के नाल, मैं तो कहता हूँ कि घी अगर अच्छा इस्तेमाल करो उन नाल तुहाडा वेट या उन हवाले नाल तुहाडी कोलेस्ट्रोल नहीं बढ़ सकता। मेरे ख्याल तुस जो बाहर दी चीज़ा खाते वे बाहर दी चीज़ा तुहाको नहीं पता होंगे कि कड़ी चीज़ कड़े ऑयल तैयार थे हुआ है, तो खाते वे उन्दे तो जो वेट बढ़ते उन्दे चो 100% बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो कोशिश करो कि तुसा अपने कुकिंग ऑयल कोई और ऑयल के उत्ते ज़्यादा तो ज़्यादा तवज्जो दियो, क्योंकि सब्जियां तो असा बिल्कुल लेखते ही गिनते आते हैं, असा कट करते हैं सब्जी फ्रैश देखते हैं कि हाँ भाई फ्रैश सब्जी है ता ही गिनते हैं, थोड़ी जी बासी होंगी है थोड़ी जी होंगी है तो कहते नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। तो यही हवाले नाल भी तुहाको कॉन्शियस थीवना पोसे कि तुसा अपना कुकिंग ऑयल जिहड़ा है वह भी एक दुरुस्त इस्तेमाल करो जी। अच्छा, इसको आटे को ना हमने अच्छी तरह से गूंदना है, इसको गूंदना है अच्छे से, अच्छी तरह से गूंदना है। जितना अच्छा आटा गूंदा हुआ होगा ना उतना अच्छा पराठा बनेगा। ज़बरदस्त, ये तो हाथ से आप गूंद रहे हैं और कुछ खवातीन जो है चम्मच के साथ, सॉरी ये इसके साथ इसको पलटूं? हाँ पलट दें, हल्का हल्का पलट दें। अच्छा, कुछ खवातीन जो है इसको चम्मच के साथ भी गूंदती हैं आटे को, तो वो मेरे ख्याल में नहीं, हाथ से जो बात आती है वो या तो मशीन हो प्रॉपर हाँ। आटा गूंदने की, या फिर यह है कि बंद हाथ से गूंदे तो ज़्यादा बेहतर है, और जितना ज़्यादा ये अच्छा गूंदा हुआ होगा उतना ही ब्राउन ब्राउन हो रहा है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का है। तो सब बिल्कुल ये ट्राई करो, और इसको अगर एक कैमरा मैन भी दिखा सके तो ये बड़ा एक ब्राउनिश ब्राउनिश ज़बरदस्त रेसिपी तैयार थी पी है, और ज़रूर ट्राई करो, बड़ी खूबसूरत भी है और लजीज भी है और बहुत जल्द जल्द तो जल्द तैयार थी बना ली भी है। यहाँ रख दूँ? अच्छा, ये मैदा हमने गूंदी है, इसको भी जो है ना थोड़ी देर छोड़ना चाहिए। अच्छा हाँ, तकरीबन आधा घंटा या एक घंटा इसको छोड़ दें, छोड़ देना चाहिए। तो ये है कि बहुत अच्छा जो है ना फिर पराठे इसके तैयार होंगे, तो अब हम बनाएंगे ये थोड़ा सा हमारा ये पक जाए उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इधर यहाँ थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं हम जी, ब्रेक ले। अच्छा नाज़रीन, इतना घंटे से छोटा जहा ब्रेक, ब्रेक तो वापस आते देखते हैं कि साड़ी डिश किवें तैयार थी गई है और तो सा और ट्राई भी करनी है देखनी है। ब्रेक कम बैक रमजान डालडा दे नाल जी, कहाँ पहुँचे हम जी? चिकन हमारा रेडी हो गया है। हाँ जी, चिकन सारा बिल्कुल रेडी थी गए, हुन सा पराठे दे मरहले च हैं, पराठा तैयार थी नाल। पराठे हम ये पेड़े बना रहे हैं इसके छोटे। अच्छा, इसमें कोई मैदा या कोई जो जिसको कहते हैं वो खुशका वो लगाना इस पे या नहीं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैदा जो है वो खुद इसको अगर सही तरीके से गूंदा जाए, देखें आपके सामने हाँ तो हाँ चिपक नहीं रहा, बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं आपके सामने बना रहा हूं जी, तो ये जो है ना इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको हम जैसे ये बराबर से कर लेते हैं, तो छोटे छोटे पेड़े तैयार करने तो सा और छोटे छोटे पेड़े तैयार करते बस पराठे तैयार करने और सहरी तुहाड़े एहतमाम दे नाल तैयार थे गए और ये अस तो सा बड़े मज़े मज़े दे नाल बैठे बिना कि नहीं सहरी करान बजन की जरूरत कह नहीं, सहरी भी तो सा घर अच्छे अच्छे जायके दे नाल तैयार कर सकते वे, तो तुसा उ मज़ा तो उ लुत्फ चा सकते वे। समटाइम सारे भेण भिरा जड़े ना और रमज़ान के मज़ा करेंगे हाँ कहते हैं एक वक्त का जिक्र हों कि असा करेंगे अस, लेकिन ठीक है ये वक्त है ही साल सारे नाल थोड़ी मुश्किल आ गए तकलीफात आ गए दूर थी वे सो वाक असा निजात कर गए। सो एक दूजी गाल भी एक मैं दसान चाहती हाँ कि क्लीनिंग के हवाले तुसा जरूरी ख्याल रखना है, खसूसी तौर पर किचन का ख्याल रखो, किचन को नीट एंड क्लीन रखो, अपने हथ बार बार धोवो और बार बार
बार असा भी धोएं हैं, हाथ सैनिटाइजर भी रखे, अस बार बार हाथ धोएं हैं, तो ये खसूसी ख्याल रखो तुसा, क्योंकि क्लीनिंग के नाल ही तुम्हारी सेहत बनती है और सेहत बढ़ती है, और इं हमारे नाल तुसा खसूसी ख्याल रखो, बच्चों का खसूसी ख्याल रखो कि उन्हें हाथ धोते नहीं धोते, क्योंकि समटाइम बच्चे खाने च हाथ मरे उन्होंने हाथ क्या नहीं धोते हुए होंगे, तो इं हवाले भी तुम ख्याल रखना क्लीनिंग का, खसूसी ख्याल रखो किचन। अच्छा जी, साढ़े हम पराठे तैयार थे पे, तो देखो कि पराठे किमें तैयार थे पे, और बगैर पलेथन जो कहते ना पलेथन पलेथन लेंदे से तो सा रोटी बदती है, तो ये पलेथन तो बगैर तैयार थे पे जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऑयल लाते, क्या जबरदस्त है बन रहे, मैं अगर मेरे से टूट जाते एकदम तो ना, खुश किए के बगैर रोटी नहीं बना पाते। ये देखो बिल्कुल एज इट इज़, जिमें बाजारी पराठे जिमें कि रेडीमेड तो आपको पराठे मिलते हैं, या तो एक बकायदा एक पैक थे वे स्टोर तू ही घिन दे वे फ्रोजन जो पराठे खेन, वो भी तो बेहतर है कि ना खाओ सेहत वास्ते, यही पराठे तो घर तैयार कर सकते हो। वाह, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के नाल ले पड़े पे ना, वाह 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 जबरदस्त। अच्छा, इसको जो है ना रखना पड़ेगा, इस पेड़े को ना थोड़ी देर रखना पड़ेगा। अच्छा, हम इसको रख देते हैं जब तक ये बनता है, जब तक हम दूसरे बना लेते हैं नॉर्मल पराठे। परत वाला भी बना सकते हैं, परत वाला जो है पराठा वो भी बना सकते हैं, और अगर टाइम की कमी है तो, क्योंकि इसमें टाइम चाहिए, तो ये दूसरा सादा पराठा भी बना सकते हैं। इसमें टाइम थोड़ा सा टाइम का इशू है, सारे टाइम थोड़ा घट होंगे, टाइम को भी थोड़ा ख्याल रखना होंगे, तो तुसा बल्कि टाइम टाइम ही तो है कि टाइम को बचावना है, तो तुसा भी ये टाइम को भी बचा सकते वे, इतने जे टाइम है तुसा घर च जितनी देर तुसा शोर इठे वे इतनी देर तुसा पका भी सकते वे, तुसा तैयार भी कर सकते वे, इहो ही टाइम लगते, कोई ज़्यादा टाइम इतनी देर तो तुसा कहीं रेस्टोरेंट वन ते उथा वेट भी करें दे वे, उथा काफ़ी देर बहाना भी पम दे, तुसा ये चीज़ा कितनी जल्दी कितनी आसानी थी गई सारे वास्ते, कितनी जिंदगी सारी आसान थी गई कि हर चीज़ सबको घर बैठे हर चीज़ मिल वेंदी है, और असा इतने वो थी गए हैं कि असा कहते हैं नहीं असा ऑर्डर करते मंगाऊँ और असा बाहर की चीज़ ही खाऊँ, तो कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, जेड़ी चीज़ अवेल है तो आपको घर वो चीज़ तो करो, वो चीज़ तो बनाओ, तो दाद भी तो गिनो, घर वाले को भी तो दिखावना है कि असा कने फन है, असा कुछ कर सकते हैं, असा अच्छे तो अच्छा खाना भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भेणी की शादी थी वेंदी है और कुछ भेणी अम्मा अब्बा के घर बैठा होंगे, वो भी एक चीज़ करते अपने भाई के हवाले टिफिन तैयार करते भेज सकते हैं कि अज सारी तरफ को अवतार है अवतार पार्टी है, तो तुम ये भी तो कर सकते वे, ये बड़ा ही आसान है। अच्छा, एक हमने डाल दिया पराठा, दूसरा हमने, अच्छा इसको मैं पलटू जी? या, नहीं नहीं, आप खुद पलटे। अच्छा, बिल्कुल हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे बनाया है आपने जी। अच्छा, ये भी एक टेक्निक है, एक पराठा जो है वो अगर तेज आंच पे रखेंगे तो ये जलने का इसका खतरा होता है, और ऊपर की जो लेयर है वो पक जाती है और अंदर कच्चा रह जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा इसको तवे पे भी तो बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं, नॉर्मल तवे पे भी बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालना है। इन्हें भी कितना जबरदस्त फुलदा पे, देखने तो ही पता चलता पे कि कितना। अच्छा, जैसे ये हमने बेल के रख दिया ना, ये खुद ब खुद फैल जाएगा। अच्छा, खुद ब खुद फैल। हाँ, ये थोड़ा टाइम लेता है ना मैदा, तो ये हमने छोड़ा हुआ है, ये अपनी शेप में आ जाएगा पराठे। अच्छा, मैदे च लट्ठे भी ना तो कितनी आसान जी गाल है, मैदे च क्या क्या पाता गया है, और वो एक टेस्ट देवण की खातिर तुम ये चीज़ गौर नाल नोट करो कि मैदे में जो हमने डाला था वो उसमें नमक और थोड़ा सा दूध और ऑयल डाला था, तो ये चीज़ा जो ना पराठे का जायका तो लज्जत बढ़ा देंदियां, यही चीज़ा असा थोड़े थोड़े डिफरेंट करने हैं ना, कि बाकी चीज़ा तो असं घर कर सकते हैं, असा कहने असा तैयार करने हर चीज़, असा वो टेस्ट नहीं मिलता जेड़ा असा रेस्टोरेंट तो हासिल करेंगे या कहीं अच्छे होटल तो, असा को ये फोकस करना है कि असा घर खवातीन ये सारा कुछ कर सकती हैं, ये सब कुछ बना सकती हैं, तो तुसा ये कोशिश करो बनाओ और वल दसे जो इंशाल्लाह वल भी असा अच्छी तो अच्छी रेसिपी बिया भी दसे सूँ, तुसा ये फिलहाल ट्राई करो। क्या जबरदस्त पराठा डिठे बिना इवें शायद रेस्टोरेंट ते भी कहना खादा उसे ए जहाँ पराठा बनया है जबरदस्त डिठे बिना।
क्योंकि ये जो पेड़ा है ना ऐसे बनाने में इसमें जो है ना टाइम लगता है, तो इसको अगर जैसे काफ़ी देर हम बना के रखें उसके बाद ही ये बनते हैं, हम कोशिश करके देख लेते हैं कि अगर बन जाता है तो, वरना नॉर्मली जैसे टाइम नहीं है तो नॉर्मल पराठा तो बना ही सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं। ठे बिना कितना आसान है, और थोड़ी जी चीज़ा चेंज करने नाल, क्योंकि इस चीज़ा तो घर डेली करेंगे आंदे वे रोज़ करेंगे वे, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी जी तुम चेंज करे सो तो जायका डिफरेंट पाए सो, और खसूसी तौर पर जड़े ये फिलहाल सिचुएशन हैं असं, और रमज़ान की बरकत नाल और अल्लाह पाक दियां करामनात नाल ए वबा ते जल्दी काबू पा घिन सो बिल्कुल, क्योंकि असं अपना ख्याल रखते अपने बच्चों का ख्याल रखते और अपने घर वालों की और घर सफाई खसूसी तौर पर ख्याल रखते चीज़ से काबू पा गिन से ये भी एक दिन इवे थी वैसे इंशाअल्लाह ताला वन सपाउना टाइम थी वैसे कि एक जिक्र रहा कि एक वक्त इवें गुजरिया सारे नाल, तो इंशाअल्लाह परमानेंट कह नहीं कोई भी बीमारी या कोई भी चीज़ परमानेंट कह नहीं होंगी, आरजी होंगी है आरजी इम्तहान होंगे असं इम्तहान तो गुजरते पे हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी निजात पा गिन सूँ, और तुसा बाकी चीज़ों का ख्याल रखो क्योंकि इम्यून सिस्टम भी तो असं ठीक करना है, असं अपने अंदरूनी सिस्टम भी तो ठीक करना है क्योंकि सारी गिजा के नाल सारी चीज़ा जुड़िया हुई होंदियां, असं अपनी गिजा दा ख्याल रखे सूँ अपने बच्चों का ख्याल रखे सूँ, उन्होंने को गिजा अच्छी तो अच्छी खवे सूँ ता ही तो इन चीज़ों पर काबू पा सकसूँ। तो खुसूसी एक मैसेज मैं देना चाहती हाँ कि जो सारे बुजुर्ग जड़े ना वो कहीं टाइम जिद्दी थी वेंदे कहते नहीं नहीं कुछ कह नहीं असं बाहर, उन्हें को भी तुसा रोकना है उन्हें को भी घर बिलहावना है क्योंकि उन्हें को नहीं समझ आती कि वो अपनी जिद पर चले वेंदे लेकिन उनकी वजह तो बीमारियां बढ़ती हैं एक वबा फैलती है जी वबा है यो जी खतरनाक कोई असं कंट्रोल करना है तो यही वजह तो कि तुसा ये चीज़ा खुद घर च कंट्रोल कर सकते हैं, और सैनिटाइजर का भी बार बार इस्तेमाल करो और घर की क्लीनिक रखो, खसूसी किचन का तो सफाई के नाल बहुत ज़्यादा है क्योंकि किचन योजी चीज़ है कि जितना असारी खुराक तैयार थी है वह खास खसूसी तौर पर साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखो, ये तो मैं वाल रखे सफाई का ख्याल रखो और नाल नाल अपने सेहत वास्ते डालडा का इंतखाब करो क्योंकि डालडा है जितना उतना है ममता, तो इन वास्ते मैं खसूसी मैसेज देना चाहती हाँ। अच्छा जी पराठे सारे तैयार थे पे सारे पराठे सारे तकरीबन अच्छा जो रह गए जो दूसरा परत हाँ। वाला पराठा है वो भी मैंने डाल दिया हाँ। तो अच्छा वो अलग था ये अलग है पराठा वो हाँ ये परत वाला है इसमें बीच में भी घी डाल के अच्छा। हमने ये तेल डाल के ना इसको रैप किया था अच्छा अच्छा लेकिन ये पेड़ा बना के जैसे इसमें टाइम चाहिए होता है इसको रखना पड़ता है तकरीबन आधा घंटा रखें तो ये बहुत अच्छा बनता है, अभी थोड़ा सा जैसे मैंने ट्राई करके बता दिया ताकि हमारे नाजरीन को पता चल जाए कि किस तरीके से बनता है, सिर्फ ये थोड़ी जी चीज़ा चेंज करने पाते हालांकि वो मैदा भी इको जहा गुंध्या गए इको जे तरीके नाल पेड़े भी बनाए गए न सिर्फ एक थोड़ी जी चेंजिंग दी गई है पराठियाँ को ये भी तुसा गौर नाल लिखो ये नेकियां जड़े ना शेफ महराज के खाते च भी हैं क्योंकि वह भी तो सारे नाल रैसिपी शेयर करते पे एक तो एक रैसिपी शेयर करते हैं और बड़ी मज़ेदार होंगी है, कई तो मेरे भेणियों ने तारीफ ही की है कि असा रैसिपी तैयार जी थी असं फल रैसिपी और असं पिछली एक रैसिपी कुछ तैयार किया सारी भेण बड़ी तारीफ करनी पी कि मेरे को बड़ा मज़ा आया तो असा वल वो जी रैसिपी डिफरेंट स्टाइल दसाओ तो ये गौर ना देख सो बड़े सो ता ही तो तुहक मज़ा आओसे आहा क्या क्रिस्पी पराठा अवतार दता आज मज़ा ही आवे से ये तो सही अवतार बना सकते वे सहरिए भी बना सकते वे ता ही ता कहने सहरी ते अवतारी ते खानिया च डालडा का इंतखाब करो मज़े नाल खाओ क्योंकि सादा इन टाइम जब अवतार का टाइम थी तो साढ़े रंग बिरंगे वन को वन गिदियाँ डिशा तैयार थी सामने दस्तरखान ते आदि असा उन टाइम क्योंकि इबादत ही करेंदे हैं इबादत के नाल नाल असं जब मज़े मज़े के खाने देखते हैं तो सारे मज़े दुबाला थी रोज़े का एक मज़ा होंगे जोड़ा ना वो ज़्यादा दुबाला थी क्या मज़ा आते सोने के सुहागा एक चीज़ मंगते हैं तो एक चीज़ सामने जब आवे तो यकीन सोने के सुहागा ही होंगे जी ये तैयार हो गया हमारा तैयार थी के जी देखो देखे नो जी तुसा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दा सादा खाना है सारी डिश तैयार थी गई है तो इवें ही तुसा तैयार करनी है बिल्कुल एज इट इज तुसा तैयार करनी है
और तुसा वही मजा ते वही जायका पाएसो। अच्छा इसमें चटनी क्या जबरदस्त, जैसे रमजान के हवाले से मैं एक आइडिया दूंगा कि दही भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं या दही में ये चटनी बना के मिक्स कर लें। अच्छा तो साथ के थोड़ा सा जैसे रमजान के हवाले में ये है कि दही ज्यादा यूज होता है, लोग करते हैं, केचप भी यूज कर सकते हैं, केचप भी यूज कर सकते हैं, तो ये चटनी जो है नॉर्मल है, इसके साथ दही भी मिला के रायता बना के भी ये चीज खा सकते हैं। सहरी में इफ्तार में दोनों जो है वक्त में हम ये इजीली बना भी सकते हैं। अच्छा इसके अलावा भी हम कोई मशरूबात भी बनाएंगे? नहीं आज मशरूब नहीं है, आज हमारा यही था। ठीक है ठीक है जी। डिठे वे कितना ज़बरदस्त डिश है, तो आपको पसंद आई हो से यकीन तो ट्राई भी करे सो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, सारा प्रोग्राम तिथि ने ख़त्म। शमा नाज़ से शेफ मिराज को इजाज़त देवो, इंशाल्लाह वल मिलसो नवी रेसिपी के नाल। अल्लाह हाफिज़।